छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। इसी को लेकर के सियासी गलियारों में अब सियासत की सरगर्मी जो है तेज हो चली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस 1 अक्टूबर तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 90 सीटों का परीक्षण हो चुका है, कुछ जगह पर सिंगल नाम जाएंगे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें 2 नाम जा सकते हैं, कुछ में 3 नाम हैं और कुछ में 3 से अधिक नाम की उम्मीद भी है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के गदर वाले बयान पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन 90 की 90 सीटों का परीक्षण हो गया है और उसमें जैसी स्थिति है, चाहे पैनल की हो या अदरवाइज, मैंने पहले भी उदाहरण के लिए हमेशा कहा कि मानना चाहिए कुछ सीट तो सिंगल है, भूपेश भाई की सीट तो सिंगल है, उसमें कोई पैनल की तो बात नहीं है। तो 90 में उसी प्रकार की स्थिति रहेगी कि हो सकता है कुछ सिंगल प्रस्तावित हों, कुछ में 2 नाम जा सकते हैं, कुछ में 3 नाम जा सकते हैं, 3 से अधिक की मुझे उम्मीद नहीं है। हालांकि प्रक्रिया चल रही है और ये लेवल है प्रदेश इलेक्शन कमेटी का। इसके बाद 1 तारीख को संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी पीईसी के प्रस्ताव को अपने रिपोर्ट के आधार से मिलान करके फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को